पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से हुई मौत। 45 मुकदमे 7 मुकदमों में उम्र कैद की सजा। 90 के दशक में रेलवे ठेकों ने बना दिया पूर्वांचल का डॉन। डॉन के बाद राजनीति और सच्चिदानंद राय की हत्या और ब्रजेश सिंह से दुश्मनी और क्या क्या किया डॉन बनने तक, आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे एक युवा रसूख के चलते बन जाता है डॉन। जानेंगे मुख्तार का हनुमान गियर और इस खबर में ये भी जानेंगे कि सच्चिदानंद राय की हत्या, मुख्तार का नाम और जानेंगे ब्रजेश सिंह बनाम मुख्तार, कैसे चुनाव में उतरा पूर्वांचल का डॉन मुख्तार अंसारी। इस खबर को 5 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, चाहे आज़ादी के पहले का समय हो या फिर बाद का। लेकिन 70 के आखिरी दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके की फिजा ही खराब कर दी। इस इलाके में पैदा होने लगे माफिया। ठेकों की गारंटी पर पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूकें उठाई, बाद में खुद राजनीति में उतर गए। 80 के दशक में माहौल बदल रहा था, पिछड़े पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे थे, लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन ही नहीं, टैक्सी स्टैंड तक के ठेके वहीं ले पाते थे जो बाहुबली होते थे। इलाके में शिक्षा का माहौल था, लेकिन यहां से बेरोजगारी की फौज निकल रही थी। रोजगार की तलाश में हताश युवा कब किस माफिया के चंगुल में फंस जाए कोई नहीं जानता था। ऐसे लोग अपने आका के एक इशारे पर मरने मारने को तैयार थे। कट्टा रखना शान समझा जाता था। कई लोग साइकिल पर बंदूकें लेकर चला करते थे। पूर्वांचल का ही एक जिला है गाजीपुर। कहा जाता है कि यहाँ अफीम, अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। ये भूमिहार बहुल इलाका है। कुछ लोग इसे भूमिहारों का वेटिकन भी कहते हैं। बनारस यहाँ से करीब है और ये भी कहा जाता है कि गाजीपुर वालों को बनारस में ही सब कुछ मिलता है, केवल गुंडे ही छोड़कर। इसकी ट्रेनिंग यही मिल जाती है। पुराने लोगों को हत्या की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानों पर चर्चा राजनीति से शुरू होती है, लेकिन खत्म अपराध की कहानी पर ही होती है। गाजीपुर के ही यूसुफ और मोहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ था। उनके दादा आज़ादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे और परिवार इलाके के इज्जतदारों में गिना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे बड़का फाटक भी बोलते हैं। मुख्तार मजबूत कद काठी और दबंग स्वभाव का था। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही मनबढ़ थे। वो जो कहें वही उनके स्वभाव में था। वो अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखते थे। निशानेबाजी उनका शौक रहा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंटर की पढ़ाई के बाद मुख्तार ने गाजीपुर के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं उनकी दोस्ती हुई साधु सिंह से। साधु सिंह और मखनू सिंह दोनों सगे भाई थे। दोनों गोरखपुर के बड़े ब्राह्मण नेता के लिए काम करते थे, जिनकी अदावत ठाकुर माफिया से थी। ब्राह्मण और ठाकुर माफिया रेलवे के ठेके के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते थे। उस दौरान पूर्वांचल के गोरखपुर और आसपास के ज़िलों में आए दिन गोलियां चलती थीं। साधु सिंह की संगत से मुख्तार को मंजिल दिखने लगी थी। उन्हें लगने लगा कि अगर लंबा रास्ता तय करना है तो बाहुबली बनना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। माफिया का तकिया कलाम बना हनुमान गियर। किसी भी तरह का काम हो, अगर मुख्तार को पसंद आ गया तो वो कहते रहे हैं कि हनुमान गियर लगावत हुई। वहीं 80 से 90 के दशक में गाजीपुर ज़िले की एक और खासियत थी। राज्य हाईवे से सरकारी बसें इस ज़िले को पार करके चला करती थी, जैसे बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस। लेकिन किसी सरकार में इतना दम नहीं था कि वो गाजीपुर के इंटरनल इलाकों से सरकारी बसें मुख्यालय तक चला लें। इन सारे रूटों पर माफिया का कब्जा था, जो अपने अपने बेड़े की बसें चलवाते थे। इसे जनता का भी समर्थन मिलता था, क्योंकि बसों की टाइमिंग फिक्स थी। मोहम्मदाबाद से गाजीपुर, बनारस के लिए बस कितने बजे चलेगी, कब पहुंचेगी, कहां कहां कब रुकेगी, ये सब तय था। लोग बताते हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग इससे घड़ी मिलाने की बात करते थे। सच्चिदानंद राय भी दबंग किस्म के थे। उनसे जुड़े लोगों की बसें मोहम्मदाबाद से चलती थी। बताया जाता है कि मुख्तार से जुड़े लोग भी इस कारोबार में शामिल थे। किसकी बस कब निकलेगी, इसको लेकर विवाद हो गया। सच्चिदानंद राय वहाँ मौजूद नहीं थे। मुख्तार भारी पड़ गए। सच्चिदानंद को ये नागवार गुजरा।
कहा यह जाता है कि फनफनाए सच्चिदानंद मुख्तार के घर फाटक तक चढ़ गए। मुख्तार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। कुछ दिन बाद ही सच्चिदानंद रॉय की हत्या की गई। नाम मुख्तार का आया लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। इससे पहले शूटर माला गुरु की हत्या में भी नाम लिया गया था, लेकिन सच्चिदानंद की कहानी इतनी बड़ी हो गई कि एक एक कर ऐसी कहानियां जुड़ती गईं और मुख्तार माफिया की नगरी में बड़े होते गए। आपको बता दें कि मुख्तार और ब्रजेश सिंह के रास्ते पहले अलग अलग थे। दोनों की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन साधु सिंह मुख्तार के संगी थे। इस इलाके में खास दोस्तों को संगी कहते हैं। साधु सिंह के परिवार की दुश्मनी एक जमीन के टुकड़े को लेकर ब्रजेश सिंह के परिवार से हो गई थी। इस लड़ाई में साधु सिंह के गैंग के पांचू सिंह ने ब्रजेश सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। वहीं साधु सिंह की संगत की वजह से ब्रजेश सिंह मुख्तार को दुश्मन मानने लगे। बगावत बढ़ती गई। मुख्तार ठेका पट्टी में तेजी से अपना पैर फैलाता जा रहा था। उधर ब्रजेश बदले की आग में जल रहे थे। आजमगढ़ के तरैया में एक ही दिन 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें ब्रजेश सिंह का भी नाम शामिल था। वो ठाकुरों की आपस की लड़ाई थी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद ये तय हो गया कि पूर्वांचल में 2 ही लोगों की दबंगई चलेगी। एक गुट मुख्तार के साथ जुड़ गया तो दूसरे ने ब्रजेश सिंह की शरण ले ली। मुख्तार का परिवार कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था। उनके पिता सुबानुल्लाह अंसारी भी राजनीति में दाखिल करते थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल ने उसे आगे बढ़ाया और 1985 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए। सीट थी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद। कांग्रेस के दौर में भाई को चुनाव जिताने में मुख्तार का बड़ा हाथ माना गया। इसके बाद मुख्तार की राजनीति महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी। मुख्तार अब अपनी छवि चमकाने में लग गए। गाजीपुर में उस समय हैंडलूम का काम भी प्रमुखता से चल रहा था, लेकिन बिजली की समस्या थी। मुख्तार ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। उन्होंने अफसरों पर दबाव बनाया कि उन्हें तय करना होगा कि इलाके में बिजली कितने घंटे आएगी। इसका असर दिखने लगा। लोगों को लगने लगा कि मुख्तार उनके लिए लड़ सकते हैं। फाटक पहुंचने वालों की संख्या अब बढ़ने लगी थी। मुख्तार गाजीपुर में ही किसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बात बैठ नहीं रही थी। उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। मायावती ने उन्हें 1996 में मऊ से मैदान में उतरने का आदेश दिया। मऊ की सीट मुस्लिम बहुल है और ये मुख्तार के लिए वरदान साबित हुई। मुख्तार 96 में पहली बार बीएसपी से विधायक चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तब से 2017 तक वे लगातार यहाँ से चुने जाते हैं। मुख्तार को एसयूवी का शौक रहा। उनके एसयूवी के बेड़े में कई गाड़ियां होती थीं। उन गाड़ियों की सीरीज कोई भी हो, लेकिन आखिरी नंबर 786 हुआ करता था। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि मुख्तार किस गाड़ी में बैठे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता था। मुख्तार और उनके लोगों को